नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सर, CBT 2 में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है, तो क्या इसका जो पेपर लेवल होगा वो गेट के जैसा होगा क्या? क्योंकि सबको ये बात पता है, गेट सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। अगर इंजीनियरिंग फील्ड में हम देखें ग्रेजुएशन के बाद, तो गेट सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो क्योंकि गेट में भी सिर्फ गेट ही ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। उसके बाद RRB JEE ने इस बार अलाउड किया है सेकेंड स्टेज में वर्चुअल कैलकुलेटर। तो दोस्तों, इस डाउट को मैं क्लियरली आप लोगों के साथ क्लियर करूँगा। दोस्तों, जैसा कि RRB JEE की नोटिफिकेशन में ये बात क्लियरली मेंशनड है, अ वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ CBT। दोस्तों, जैसा कि पेपर जो पैटर्न है उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे सेकेंड स्टेज में, जिसमें से 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के होंगे। तो क्या पेपर का क्या लेवल होगा? आखिर इन्होंने वर्चुअल कैलकुलेटर क्यों दिया है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वर्चुअल कैलकुलेटर क्या होता है और फिजिकल कैलकुलेटर क्या होता है। जिन्होंने वर्चुअल कैलकुलेटर को अभी फेस नहीं किया है, ये मैं उनके लिए बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो फिजिकल कैलकुलेटर होगा वो जनरली आप मार्केट्स में भी देखेंगे, शॉप्स में भी देखेंगे, अपने इंजीनियरिंग के टाइम भी आपने क्लास में भी ये इस टाइप के कैलकुलेटर्स देखे होंगे। तो दोस्तों, इस टाइप के कैलकुलेटर्स को फिजिकल कैलकुलेटर कहते हैं। और अगर हम वर्चुअल कैलकुलेटर की बात करें तो वर्चुअल कैलकुलेटर इसके नाम से ही क्लियर है, ये वर्चुअली अवेलेबल रहता है सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर है जो सॉरी कैलकुलेटर है जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आपको मिलेगा। इस पे आप प्लस माइनस जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप यहाँ पे उसके कीपैड्स दिए रहेंगे, उसको देखते हुए आप वहाँ पे उसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके आंसर उसका दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वर्चुअल कैलकुलेटर और ये है फिजिकल कैलकुलेटर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ये बात बताना चाहूँगा कि फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है RRB CBT 2 के एग्जामिनेशन में। दोस्तों, कई सारे लोगों ने कहा सर वर्चुअल कैलकुलेटर चाहे यूज़ करे चाहे फिजिकल कैलकुलेटर यूज़ करे, बात तो एक ही हुई। नहीं, फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है CBT 2 के एग्जामिनेशन में, ये बात आप क्लियरली नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर ही अलाउड है जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम सॉफ्टवेयर पे ही मिलेगा। एग्ज़ाम का जो मॉनिटर होगा उसी पे आप लोगों को कॉर्नर में ये एक वर्चुअल कैलकुलेटर का ऑप्शन रहेगा। आप एग्जाम के टाइम में आपको ये सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल रहेगा, जब आपको ज़रूरत होगी आप उस पर टिक करके इसको देख सकते हैं और इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गेट एग्जामिनेशन टोटल 3 आवर्स का होता है, जिसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं 65 क्वेश्चन इन 3 आवर्स अप्रॉक्स। अगर आप देखें तो लगभग 2.5 मिनट्स एवरी क्वेश्चंस के लिए होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस आप देखेंगे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो गेट एग्जामिनेशन में आप ये बात समझ सकते हैं कि 3 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ 65 क्वेश्चंस करने होते हैं। बट अगर RRB JEE की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 2 घंटे में मीन्स 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन नॉन टेक के हैं और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं। अगर आप देखें, अगर टोटल क्वेश्चन को काउंट डाउन करें, अगर जस्ट सपोज करते हैं कि ये 50 नॉन टेक के क्वेश्चन आप 20 मिनट में कर लेते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, बट अगर जनरल कैंडिडेट्स के लिए देखें, नॉट जनरल मीन्स अगर एक कॉमन कैंडिडेट को देखें, तो 20 मिनट में 50 नॉन टेक के क्वेश्चन करना शायद इम्पॉसिबल होगा। अगर 100, तो फिर बचा कितना दोस्तों? 20 मिनट्स में आपने नॉन टेक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और 100 मिनट्स में 100 टेक्निकल क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल समझ सकते हैं, टफनेस का लेवल समझ सकते हैं।
दोस्तों ये डाउट अपने मन से आप एकदम निकाल दीजिए कि वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है तो जो पेपर होगा वो काफ़ी टफ हो जाएगा। नहीं दोस्तों, पेपर टफ नहीं होगा, क्योंकि आप टाइम ड्यूरेशन भी तो देखिए, 100 मिनट्स में 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। अगर पर क्वेश्चंस भी देखा जाए तो 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन को देखने के लिए, उसको विजिट करने के लिए। आप 120 मिनट्स में पूरे क्वेश्चंस को विजिट कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे आप कैलकुलेटर उठाएं और उसको सॉल्व करें, क्या है, अगर आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वो तो वैसे ही इतना सारा टाइम कंज्यूम कर ले जाएगा, और क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं होने वाला है। दोस्तों आप ये डाउट एकदम माइंड से निकाल दीजिए, आप बस अच्छे से प्रिपरेशन करिए। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बेसिक्स होगा, आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए और थोड़ा बहुत कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए, आपका आरआरबी जी बहुत ही इजीली निकल जाएगा। ये डाउट आप अपने मन से निकाल दीजिए कि वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है या कैलकुलेटर अलाउड है टेक्निकल एग्जाम में, तो पेपर बहुत टफ होगा। दोस्तों एक बात और, सिर्फ अभी आरआरबी जेई नहीं, ये बात वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड किया, और किसी भी एग्जामिनेशन में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट गेट। तो आप ये डाउट अपने मन से एकदम निकाल दीजिए दोस्तों कि पेपर टफ आने वाला है, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।